औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय सरफेस ऑर्नामेंटेशन तकनीकें कढ़ाई के थ्योरी में अंकित पाठचर्या कढ़ाई के आधारभूत टांके और उनके लाभ पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। विषय सूची कढ़ाई के भाग फ्लैट स्टिच की चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे। लूप स्टिच, ये कढ़ाई करते समय लूप जैसा बनता है। गांठ वाले टांके जो होते हैं कढ़ाई करते समय सुई में धागे को कई बार घुमा कर लपेटना पड़ता है जिससे ये कढ़ाई तैयार होती है। क्रॉस स्टिच दाएं से सुई निकालते हैं, फिर बाईं तरफ सुई नीचे की तरफ डालते हैं, फिर ऊपर की तरफ निकालते हैं। इस तरह से क्रॉस स्टिच बनाई जाती है। बेसिक स्टिच के नाम एवं उसका प्रयोग। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। फ्लैट स्टिच वे टांके हैं जो कपड़े के साथ लग जाते हैं यानी फ्लैट होते हैं। ये टांके उभार वाले होते हैं। अब हम जानेंगे फ्लैट स्टिच में कौन कौन सी स्टिच होती है। रनिंग स्टिच, बैक स्टिच, डंडी स्टिच, साटन स्टिच, कश्मीरी स्टिच, क्रॉस स्टिच, काउचिंग स्टिच, हेरिंगबोन स्टिच। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। लूप स्टिच, यह वे टांके हैं जिनमें छोटा या बड़ा किसी भी रूप में लूप के तौर पर टांका डाला जाता है, या यह भी कहा जा सकता है कि इसमें सुई के धागे करके टांका डाला जाता है। सुई के आगे रखे लूप को किसी भी रूप में लगाया जाता है। लूप स्टिच जो होती है वो चेन की तरह बनाई जाती है। इसमें होता है कि धागे को हम हल्का खींचते हैं जिससे लूप दिखाई देता है। ये लूप इस तरह से कढ़ाई करते समय दिखाई देगा। यहाँ देखिए लूप दिखाई दे रहा है, इस तरह से कढ़ाई करते समय लेजी डेजी जो स्टिच होती है वो भी सुई को नीचे से डालते हैं ऊपर की तरफ निकाल कर, ये भी चेन की तरह ही दिखाई देती है। ये स्टिच भी इसी प्रकार से की जाती है जो यहाँ लुक देख रहे हैं आप। इसमें यहाँ से सुई निकाल कर ऊपर की तरफ निकाल कर यहाँ रखते हैं। बटन होल स्टिच वो होती है कि बटन में काज करने के लिए बटन होल स्टिच का प्रयोग किया जाता है। बटन होल स्टिच का दूसरा नाम काज स्टिच है। ब्लैंकेट स्टिच, यह स्टिच कंबल पर की जाती है। फिश बोन स्टिच, यह स्टिच मछली की हड्डी की तरह दिखाई देती है कढ़ाई करने के बाद। फैदर स्टिच, यह स्टिच बनने के बाद पंख की तरह दिखाई देती है।
लाइट स्टिच, इसकी चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे। गांठ वाले टाके, जो टाके डालते समय धागे में गांठ डाली जाए उन्हें गांठ वाले टाके कहते हैं। बुलियन स्टिच भी गांठ डालकर भी बनाते हैं। इस धागे को बल डालकर बनाया जाता है। ये आप देखेंगे बुलियन स्टिच। ये स्टिच जो होती है सुई को कपड़े के नीचे से ऊपर की तरफ निकालते हैं, उसके बाद हम इस प्रकार धागा सुई में लपेटते हैं। 8 से 10 बार धागे को लपेटकर फिर सुई हम नीचे की तरफ डालते हैं। डालने के बाद ये ऐसे दिखाई देगा। डबल नॉट स्टिच, बुलियन स्टिच। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। क्रॉस स्टिच, जब एक टेढ़ा टाका दूसरे टाके को आपस में क्रॉस करे वह क्रॉस स्टिच कहलाती है। कढ़ाई बहुत आसान है और शीघ्र बनती है, इसलिए बड़े बड़े कपड़ों पर आसानी से हो जाती है। इसका कोई भी वस्त्र सजावट के तौर पर बनाया जा सकता है, चाहे वह घर सजाने वाला हो या शारीरिक सुंदरता के लिए हो। यह कढ़ाई इस प्रकार से बनने के बाद दिखाई देती है। यहाँ आप देखेंगे ये क्रॉस स्टिच है। क्रॉस स्टिच कंबलों पे, लहंगे, सूट आदि पर की जाती है। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। बेसिक स्टिच, कच्चा टाका, डंडी टाका, साटिन टाका, चेन स्टिच, बटन होल स्टिच, हेरिंग बोन स्टिच, फैदर स्टिच। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। लंबा तथा छोटा टाका, क्रॉस स्टिच, लेजी डेजी स्टिच, नॉट स्टिच, बुलियन स्टिच, पाउचिंग स्टिच, पिन्नी टाका, बकिया टाका, कश्मीरी टाका। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। कच्चा टाका, जिसे रनिंग स्टिच भी कहते हैं, इस टाके का प्रयोग कटाई और कढ़ाई दोनों के लिए किया जाता है। यह दोनों के लिए उपयोगी है। इस टाके को कढ़ाई के समय प्रयोग किया जाता है। ये देखेंगे आप रनिंग स्टिच इस प्रकार से दिखाई देती है। इसमें सुई को नीचे की तरफ से नॉट लगाकर ऊपर की तरफ ले आते हैं, फिर नीचे की तरफ ले जाते हैं और नीचे से फिर ऊपर की तरफ ले आते हैं। इस प्रकार से रनिंग स्टिच बनती है। कच्चे टाके का प्रयोग, यह स्मोकिंग में कच्चा डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्मोकिंग जो होती है उसको करने के लिए हम कच्चा टाका का प्रयोग करते हैं। डिजाइन में सही से इस टाके से बनती है। प्रेस दूसरी तरफ से ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी अपनी भी कढ़ाई की जाती है। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। डंडी टाकम, यह टाका डंडियों पर आउटलाइन बनाने के काम आता है। बना हुआ रस्सी के बल की तरह लगता है। यह टाका जो होता है किसी भी डिजाइन में, जो डंडी होती है फूल की या पत्तियों की, उस डिजाइन को कढ़ाई करने के लिए
डंडी टाका का हम प्रयोग करते हैं, जिसे स्टेम स्टिच कहते हैं। बनाने का ढंग, कैसे हम बनाएंगे डंडी टाका। डिजाइन के शुरू में सुई निकालकर धागे के सुई के आगे रखते हुए पिछली तरफ से तिरछा टाका लिया जाता है। काम नीचे से ऊपर की तरफ को किया जाता है, जिस तरह की चित्र में बनाकर दिखाया गया है। बनाते समय धागा हमेशा सुई के आगे ही रहेगा। यह ध्यान रखना है कि आउटलाइन मोटी बनानी है या पतली, क्योंकि यह मोटाई टाका बनाते समय ही आ जाती है। अगर पतली रखनी है तो टाका पहले डालें। टाके की लंबाई के मध्य में से लो। यहाँ आप देखेंगे स्टेम स्टिच इस तरह से बनी हुई दिखाई दे रही है। स्टेम स्टिच होती है, ये भी ज्यादातर डंडियों के लिए ही प्रयोग की जाती है। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। डंडी टाका का प्रयोग, यह टाका सीधी कब्र या किसी भी डिजाइन की आउटलाइन जो कटी फटी न हो उस पर लगाते हैं। इसे तिरछे टाके के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि यह टाका जो होता है किसी भी डिजाइन की आउटलाइनिंग के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई भी सीधी डंडी, उस पे हम इस टाके का प्रयोग करते हैं। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। साटिन स्टिच, इसे टाके को गोल एम्ब्रॉयडरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऊपर नीचे से गोलाई में चलती है। यह टाका दोनों तरफ से एक जैसा लगता है। यह एक फैंसी टाका है। साटन स्टिच जो है फैंसी कढ़ाई में आती है। यह स्टिच बनने के बाद कोई भी डिजाइन हो वो भरा भरा रहता है। इस टाके को ज्यादातर गोल डिजाइन में किया जाता है। साटन स्टिच का प्रयोग, ये छोटे फूल और पत्तियों जो सुंदर लगती हैं को डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये डिजाइन जो होती है छोटे फूल और पत्तियों में ज्यादातर की जाती है। इसको एप्लिक कट आदि डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कढ़ाई जो होती है एप्लिक कढ़ाई और कट कढ़ाई में ज्यादातर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। चेन स्टिच, इस टाके को जंजीरी टाका भी कहा जाता है। यह हर एक तरह के कपड़े पर बनाया जाता है। चेन स्टिच जो होती है वो जंजीर जैसी दिखाई देती है और यह बनने के बाद चेन की तरह दिखाई देती है। बनाने का ढंग, किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए टाका उसके शुरू से ही लिया जाता है। इसलिए किनारे पर सुई निकालने अगर मोटी डंडी बनानी है तो दोहरा धागा डाल लें, नहीं तो इकहरा धागा भी ठीक रहता है। धागा सुई के आगे दो पॉइंट कपड़ा उठाकर आगे निकाल लो। दोबारा यहाँ से धागा निकाला जाता है, उसी जगह के आगे चेन डालो। अंत में जाकर धागा बाहर निकाल कर उल्टी तरफ टाका लगाओ। यहाँ आप देखेंगे ये इस प्रकार से चेन स्टिच बनी है। ये इस स्टिच में सुई नीचे से निकालते हुए ऊपर की तरफ ले आएंगे। ऊपर की तरफ ले आके धागे को इस प्रकार से हम
सुई के चारों तरफ घुमाएंगे, फिर सुई ऊपर की तरफ खींचते हुए सेम यही प्रोसेस आगे करेंगे। इस प्रकार से चेन स्टिच बनती है। चेन स्टिच का प्रयोग, चेन स्टिच में बहुत से टांके बनाए जाते हैं। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। बटन होल स्टिच, इसका अभिप्राय बटन के लिए होल करना है। कढ़ाई में हम अपने आप रोल बना लेते हैं और उसको धागा आगे करके बल डालते जाते हैं, जिससे यह बटन होल स्टिच बन जाता है। बटन होल स्टिच जो होती है वो पहले हम किसी भी कपड़े में काज करते हैं, काज करके उसके चारों तरफ सुई और धागे से होल को हम कढ़ाई के माध्यम से बनाते हैं, जिसे हम बटन होल स्टिच कहते हैं। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। हेरिंग बोन स्टिच, यह किसी भी डिजाइन पर डाला जा सकता है, ज्यादातर रुमाल के किनारों पर बनाया जाता है। इस टांके को जोड़कर बनाने से शेडो वर्क बनता है और इस टांके को थोड़ा बदल कर डालने में सिंधी टांका बनता है। हेरिंग बोन स्टिच बनाने के लिए हम किसी भी रुमाल पर छोटी सी डिजाइन ट्रेस करेंगे और यह स्टिच बनने के बाद शेडो वर्क जैसा दिखाई देता है। हेरिंग बोन स्टिच का प्रयोग, यह टांका जोड़कर बनाने में शेडो वर्क बनता है और यदि इस टांके को बदल दें तो सिंधी टांका बन जाता है। इसका प्रयोग सुंदर कढ़ाई दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे ये इस प्रकार से हेरिंग बोन स्टिच दिखाई दे रही है। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। फैदर चेन स्टिच, पहले बराबर बिंदी पर दो लाइनें चेन स्टिच के लिए बना लेनी है, फिर जिग जैग की तरह एक चेन का मुंह दूसरी चेन की पीठ से मिल जाता है। यह जितनी चौड़ी लाइन लगी है उसमें आगे की ओर लगेगी। उसके बाद दोनों स्टिचों के बीच को सीधे टांके को जिग जैग के रूप में बटन होल की तरह स्टिच डाल लेना है। इस तरह का स्टिच फैदर स्टिच कहलाता है। यह देखने में बहुत सुंदर लगता है। यह बॉर्डर आदि बनाने के काम आता है। फैदर स्टिच जो होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती है और ये स्टिच जो होती है बनने के बाद पंख की तरह दिखाई देती है। यहाँ आप देखेंगे इस तरह से, और ये स्टिच चेन की तरह ही की जाती है। फैदर चेन स्टिच का प्रयोग, ये स्टिच जो होती है बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और किसी भी डिजाइन के किनारे किनारे हम इस स्टिच को बना सकते हैं। यह स्टिच कहीं भी बॉर्डर के लिए प्रयोग की जाती है। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। लंबा एवं छोटा टाका, जिसे लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच भी कहते हैं, यह टाका बड़ी पत्ती फूल पर बनाया जाता है। इस टाके में शेड बनता है। यह टाका जो होता है बनाते समय एक टाका इसमें लंबा लेते हैं। यहाँ आप इस प्रकार से देखेंगे, ये लंबा टाका है, फिर यहाँ छोटा टाका एक, फिर लंबा टाका, फिर एक छोटा टाका। इसी तरह से ये पूरी कढ़ाई की जाती है। इसमें दो धागों का प्रयोग करते हैं जिससे कि बनने के बाद शेडो दिखाई दे। बनाने का ढंग,
पत्ती या फूल बीच में शुरू करें। सबसे पहले बड़ा टांका लगाओ, उसके बाद पहले डाले हुए नक्के से थोड़ा छोटा टांका और किसी तरह तरकीब से चार बार करो। दोबारा एक बार बड़ा और तरकीब से चार टांके पहले की तरह ही इस तरह सभी टांके डालते जाना है। लंबा एवं छोटे टांके का प्रयोग, यह टांका शेड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह कढ़ाई जो होती है बनने के बाद शेड जैसी दिखाई देती है। इससे बड़ी फूल पत्ती बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये कढ़ाई जो होती है, ये बड़ी जो फूल पत्तियां होती हैं, जिनकी डिजाइनें होती हैं, उसमें हम इस कढ़ाई का प्रयोग करते हैं। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। क्रॉस स्टिच, यह टेढ़े टांके को दूसरे टेढ़े टांके से क्रॉस किया जाता है, तो यह क्रॉस स्टिच कहा जाता है। इसमें होता है कि टेढ़ा, जैसा कि एक तरफ सीधा हम करेंगे कढ़ाई, फिर दूसरी तरफ उसको क्रॉस करते हुए गुणे के आकार में इस कढ़ाई को करते हैं। क्रॉस स्टिच का ढंग, यह टांका तारे गिनने वाले कपड़े पर डाला जाता है। अन्य कपड़ों पर डालते समय नेट लगाकर कढ़ाई करनी पड़ती है। एक बार तिरछे टांके डालते जाना है और दूसरी बार इनको क्रॉस करते जाना है। इस टांके को उल्टी साइड पर सीधे टांके दिखाई देंगे। यह टांका जो होता है, ये तारे गिनने वाले कपड़े पर करते हैं, जैसे कि मैटी का कपड़ा हो गया, उस पे ये कढ़ाई बनने के बाद काफी अच्छी दिखाई देती है। यहाँ आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ये मैटी का कपड़ा है और इसमें तारे गिनकर कढ़ाई की गई है। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। लेजी डेजी स्टिच, यह टांका पत्ती जैसी गोलाई बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इस टांके को नीचे से निकालकर आवश्यकता अनुसार लंबाई के ऊपर से निकालते हैं। ऐसा करने से धागा ऊपर आ जाता है। ऐसा करने से छोटे बड़े फूल पत्ते बनाए जा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे, ये लेजी डेजी स्टिच इस तरह से है। यह जो होती है, किसी भी पत्ती की डिजाइन या फूल की डिजाइन जो गोल होती है, उनको करने के लिए हम लेजी डेजी स्टिच का प्रयोग करते हैं। लेजी डेजी स्टिच का प्रयोग, यह टांका फूल बनाने में प्रयोग लाया जाता है। यह टांका जो होता है, कोई भी डिजाइन हो जिसमें फूल बनाने के लिए जो गोल शेप में हो, इस टांके का हम प्रयोग करते हैं। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। नॉट स्टिच, यह टांका फूलों और पक्षियों में डाला जाता है। अगर बच्चे को अच्छी तरह बनाना आ जाए तो आउटलाइन भी बनाने के काम आता है। यह मोतियों की जगह पर बनाया जा सकता है, इसकी सीनरियां भी बनती हैं। यहाँ आप देखेंगे, ये नॉट स्टिच है इस तरह से, जिसको गांठ स्टिच भी कहते हैं। बनाने का ढंग, सुई के ऊपर एक या दो बल देकर बाएं हाथ के अंगूठे से इसको धीरे से सुई उल्टी करके दबा लो और सुई नीचे से लो, ले जाओ। दोबारा उसके बिल्कुल साथ सुई निकाल कर और दो बल देकर फिर से दाना डालो। इस तरह सभी जगह पर हो सके। नॉट स्टिच का प्रयोग, इसका प्रयोग फूलों एवं पक्षियों के चित्र बनाने के लिए करते हैं।
यह जो स्टिच होती है फूलों और पत्तियों के चित्र बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये स्टिच जो होती है इसमें सुई नीचे की तरफ से निकालकर कई बार धागे को सुई में लपेटकर फिर नीचे की तरफ सुई को ले जाते हैं। यह मोती बनाने के लिए और सीनरियां बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इस टांके को बाहर की तरफ से आउटलुक बनाने के लिए किया जाता है। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। बुलियन स्टिच, यह टांका नॉट की तरह ही डाला जाता है। अंतर केवल इतना है कि नॉट में एक या दो बल दिए जाते हैं, पर बुलियन में जितनी लंबाई पर टांका डालना है उतनी ही लंबाई पर टांका डालना है उतनी ही लगभग बल दिए जाते हैं। इस स्टिच में टांका हम एक बराबर लेंगे और दोनों के अंतर जो होंगे समान होंगे। बनाने का ढंग, यह टांका गोल गोलियों में बहुत सुंदर लगता है। उनमें डाला टांका और भी सुंदर लगता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये गोल गोलियों मतलब कि गोल डिजाइन में हम इस टांके का प्रयोग करते हैं और बनने के बाद अति सुंदर दिखाई देता है। बुलियन स्टिच का प्रयोग, यह टांका नॉट डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गांठ स्टिच के लिए यह टांका प्रयोग किया जाता है। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। काउचिंग स्टिच, यह टांका आउटलाइन टांका कहलाता है और बनावट बढ़िया बनता है। देखने में टांका बहुत सुंदर लगता है। यह टांका जो होता है बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। इस स्टिच को करने के लिए दो सुई की जरूरत पड़ती है। एक धागे को हम जो है सुई में डालकर फिर सुई को नीचे की तरफ से निकालते हैं और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। दूसरी सुई से उसे बांधते जाते हैं। बनाने का ढंग, जिस डिजाइन पर आउटलाइन करनी है उसके किनारे पर चौहरा धागा निकाल लो। उससे एक पॉइंट आगे पहले धागे से कंट्रास्ट रंग का धागा सुई में डालकर दोहरा निकाल लो। पहले निकाले चार सूत्रीय धागे को प्रेस के ऊपर रोल करके रखो और सुई में डाले धागे से टांका लगा कर जोड़ लो। यह टांका धागे के ऊपर को जाकर नीचे आएगा। इस तरह एक पॉइंट छोड़कर टांकते जाओ। जैसा कि बताया गया है कि इस कढ़ाई में दो अलग अलग रंग के धागों का प्रयोग किया जाता है और ये कढ़ाई इस तरह से दिखाई देती है। काउचिंग स्टिच, काउचिंग स्टिच का प्रयोग, यह टांका आउटलाइन बनाने के काम आता है, इसलिए इसको आउटलाइन टांका भी कहते हैं। यह टांका जो होता है किसी भी डिजाइन की आउटलाइन के लिए किया जाता है। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। किन्नी टांका, जिसे किनारी टांका भी कहते हैं। जिस तरह की नाप से पता चलता है कि किन्नी करने वाला टांका है, यह टांका कटाई और सिलाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यह टांका जो होता है कटाई और सिलाई के लिए किया जाता है। साधारण किन्नी, सभी लेडीज कपड़ों पर आम तौर पर यह किन्नी की जाती है। यह टांका उठाते समय सीधा और तिरछा किसी तरह भी टांका उठाया जा सकता है। इसमें सीधे तरफ से केवल एक तार ही उठाई जाती है। न दिखाई देने वाली किन्नी, यह दो टुकड़ों को जोड़ने के काम आती है। पाइपिंग लगाते समय भी कई बार यह किन्नी की जाती है। गोल किन्नी, किसी भी कपड़े के किनारे पर जब हम गोल करके टांका करते हैं
और कपड़ा उसी जगह पर गोल रहता है तो इसे गोल किन्नी कहा जाता है। इसको कई बार क्रॉस करके दो रंगों से भी डाल दिया जाता है। यह फ्रिल लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। बखिया टांका, जिसे बैक स्टिच कहते हैं, यह टांका प्रायः मशीन में प्रयोग किया जाता है। हाथ की कढ़ाई में सजावट के लिए यह टांका प्रयोग किया जाता है। यह सभी टांकों से मजबूत टांका है। यह टांका जो है, जितनी भी कढ़ाइयाँ होती हैं, सबसे मजबूत टांका है। और यह टांका मशीन में जो मशीन से जो कढ़ाई की जाती है उसको सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बनाने का ढंग, जिस जगह पर टांका डालना है उसको शुरू से एक पॉइंट आगे सुई निकाल लेनी है। जो पॉइंट छोड़ा है उसके पीछे से टांका डालकर सुई आगे निकालनी है। एक सुई आगे से पीछे या पीछे से ऊपर को निकालनी है। इस टांके में सुई का एक टांका हम आगे की तरफ ले जाते हैं तो सुई को फिर नीचे की तरफ से फिर उसी पॉइंट पर पीछे से उस सुई को निकालकर फिर आगे की तरफ ले जाते हैं। बखिया टांका का प्रयोग, यह टांका हाथ की कढ़ाई में सजावट के लिए प्रयोग करते हैं। यह टांका जो होता है वो सजावटी कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस जगह पर मजबूती की जरूरत हो इस टांके का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रुमाल के किनारे पर इस कढ़ाई का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। कश्मीरी स्टिच, यह स्टिच आमतौर पर कश्मीर के साल आदि बने होते हैं। यह टांका बड़े शेड के फूल में डाला जाता है। यह कढ़ाई, जैसा कि कश्मीरी स्टिच है, कश्मीर के नाम पर पड़ी है। यह स्टिच जो होती है, कश्मीरी साल, सूट, ऊनी कपड़े पर ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। बनाने का ढंग, पत्ती के फूल से जितनी लंबाई का टांका डालना है सीधा डाल ले जाएं। सुई नीचे से जाकर धागे के बीच में से बाईं तरफ निकालो। धागे के ऊपर को धागा घुमाते हुए, अर्थात पहले डाले टांके को दबाकर आगे पहली आउटलाइन पर सुई निकाल लो। उसको रुमानिया स्टिच भी कहा जाता है। यह टांका जो होता है इस प्रकार से दिखाई देता है। यह टांका जो होता है पत्तियों के लिए ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। और ये हरी पत्तियों, जैसे कि कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है, तो ये कढ़ाई भी बनने के बाद काफी ही अच्छी दिखाई देती है। कश्मीरी स्टिच का प्रयोग, इस टांके का प्रयोग कश्मीरी शाल बनाने के लिए करते हैं। यह टांका बड़े शेड और फूल डालने के लिए किया जाता है। आज मैंने आपको कढ़ाई धन्यवाद आज मैंने धन्यवाद आज मैंने आपको कढ़ाई के आधारभूत टांके और उनके लाभ पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।